कान्हा, अब आप 16 कलाओं से संपूर्ण हो चुके हैं और समय आ गया है कि अब आप स्वयं से साक्षात्कार करें और आपके इस जन्म के ध्येय से परिचित हों। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मैं आपका तातु कार्य समझ नहीं पाया। यदा यदा ही धर्मस्य दानिर्भवति धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तात्मान्य शिरजापितं परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुस्सुता धर्म संस्थापनार्थायक संभवामि युगे युगे। कान्हा, आप मनुष्य नहीं, मनुष्य की रचयिता है। आप इस सृष्टि के स्वामी स्वयं श्री विष्णु है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस धरती पर धर्म का पतन और अधर्म का विस्तार होने लगता है, तब तब आप धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। धर्मस्य कान्हा, आपका पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कुरुमा, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम और सातवां अवतार श्री राम के रूप में। एक कान्हा, समय आ गया है कि आप अपने इस अवतार के उद्देश्यों से परिचित हों। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि मेरे इस जन्म का प्रयोजन अधर्मी कंस का अंत करना है। कान्हा, कंस ने जिस अधर्म के साम्राज्य को इस संसार में स्थापित किया है, उससे कई पापियों और अधर्मियों का उदय होगा। कंस का वध तो केवल आरंभ है। केवल आरंभ? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। ए लीलाधर, इस संसार में ऐसा क्या है जो आपको ज्ञात न हो? हे सर्वज्ञाता, अपनी दृष्टि घुमाइए, आपको स्वयं सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। गुरुजी, मैं क्या देख रहा हूँ? कान्हा, आप धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम देख रहे हैं। ये भविष्य का वो दुखद चित्र है जो युगों युगों तक महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाएगा। हे कान्हा, भविष्य के गर्त में ऐसी दुखद विडंबनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कैसी विडंबनाएं गुरुदेव? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। विडंबना यह है कि स्त्री को देवी स्वरूप पूजने वाले महापुरुष ही चुप्पी साधे एक स्त्री का चीरहरण होते देखेंगे। कान्हा, पृथ्वी के उद्धार के लिए जीवन समर्पित करने वाले योद्धा भी इस महायुद्ध में ऐसे घातक शस्त्रों का प्रयोग करेंगे जिनसे पृथ्वी पर विनाश का तांडव होगा। इस महायुद्ध में वरदान पाए महापुरुष भी लड़ेंगे और शापित वीर भी। इस युद्ध की विडंबना यह है कि कर्ण और भीष्म जैसे धर्मपरायण पुरुष भी अधर्म के रक्षक बन खड़े दिखेंगे। इस महासंग्राम में वासों से मनुष्य के भाग्य को बदलने वाले शकुनी के स्वयं भाग बदल जाएंगे। धर्म गुरु द्रोणाचार्य धर्म ही के विनाश के लिए लड़ेंगे। कान्हा, इस महायुद्ध में युधिष्ठिर जैसे धर्मराज, भीम जैसे महाबली और अर्जुन जैसे योद्धा भी अपना सर्वस्व गुवाकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ेंगे। कान्हा, इस महायुद्ध में धर्म को दिशा दिखाने और पृथ्वी को अनर्थ से बचाने के लिए ही आपका ये परम अवतार हुआ है।
लगाना। इस जटिल भविष्य की तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना होगा? इसके लिए आपको कान्हा से कृष्ण बनना होगा, और कृष्ण होने के लिए आपको पंच शस्त्रों को धारण करना होगा। यही पंच शस्त्र आपकी इस यात्रा में आपके सहभागी बनेंगे। गुरुदेव क्या है ये पंच शस्त्र? महाशक्तिशाली ये पंच शस्त्र हैं। कौमुदी गदा, सारंग धनुष, चैत्र रथ भाऊ सारथी और सुदर्शन चक्र। गुरुदेव इन शस्त्रों को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? कान्हा, इन सभी शस्त्रों को प्राप्त करने का मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा, और इन शस्त्रों को खोजने की यात्रा ही आपको कान्हा से कृष्ण बनाएगी। कान्हा, इस शंख की शंखनाद से अपनी यात्रा का शुभारंभ करो। चक्रधारी, ये तुरही उद्घोष प्रतीक है इस बात का कि अंत निकट आ गया है तेरे उस अवतार का। अब युक्ति नहीं युद्ध होगा, चल नहीं बल होगा। तेरे उस अवतार परम अवतार श्री कृष्ण का सामना कंस अधिराज के साथ रणभूमि में होगा। इस युद्ध में तेरे अहंकार सहित तेरे संपूर्ण अस्तित्व का विनाश कर दूंगा मैं। मैं भगवान कंस तुझे युद्ध की चुनौती देता हूं। 10 वर्षों में इस ब्रजमंडल में जिन मनुष्यों की मृत्यु हुई है उनके शरीर कहां है भद्राक्ष? आपके आदेश अनुसार सभी देह सुरक्षित है। समय आ गया है मृत वाहिनी के जागृत होने का। कौमुदी गदा, सारंग धनुष, चैत्र रथ भाऊ सारथी और सुदर्शन चक्र, इन सभी शस्त्रों को प्राप्त करने का मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा, और इन शस्त्रों को खोजने की यात्रा ही आपको कान्हा से कृष्ण बनाएगी। कान्हा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? कान्हा, दाऊ चित्र को छोड़िए, मेरी महत्वपूर्ण बात सुनिए। क्या हुआ कान्हा? दाऊ हमें तुरंत एक यात्रा के लिए प्रस्थान करना होगा। कैसी यात्रा कान्हा? इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए यह यात्रा अति आवश्यक है। धर्म की स्थापना? कान्हा कभी कभी तुम्हारी बात हमारे मस्तिष्क से होकर निकल जाती है। दाऊ अभी मैं आपको सब समझाने में असमर्थ हूँ, और इस यात्रा में हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे दाऊ। परंतु हम गुरुदेव की आज्ञा के बिना
कैसे जा सकते हैं कान्हा? दाऊ, इस यात्रा पे जाने का आदेश स्वयं गुरुदेव ने ही दिया है। उचित है कान्हा, यदि आदेश गुरुदेव का है तो उसमें प्रश्न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बताओ क्या आज्ञा है गुरुदेव की? दाऊ, हमें शीघ्र अति शीघ्र उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना होगा। ठीक है कान्हा, चलो। चलिए दाऊ। नारायण नारायण, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? क्या हुआ ऋषिवर? प्रभु, ये पंचशस्त्र तो आपने धारण किए हुए, किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप ही के अवतार परम अवतार श्री कृष्ण को इन्हें धारण करने के लिए इतना प्रयास क्यों करना पड़ रहा है। देव ऋषि, मेरे सभी शस्त्र और शक्तियां मेरे ईश्वरीय स्वरूप में धारण है, परंतु जब मैं मानव रूप में धरती पर अवतार लेता हूं तो मानव जीवन के सभी नियमों से बंध जाता हूं। नारायण नारायण, परंतु प्रभु आप पर कैसे नियम? मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि, पृथ्वी कर्म भूमि है। पृथ्वी पर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही सुख या दुख, विजय या पराजय को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा मेरा मानवीय अवतार है, इसलिए मुझे भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्म करने ही होंगे। नारायण नारायण, यानी मनुष्य की भांति ईश्वर भी परिश्रम करेंगे? देव ऋषि, जिस प्रकार मेरे गत अवतार परशुराम और राम ने कर्म भूमि पृथ्वी पर अपने पराक्रम से मेरे प्रमुख शस्त्र सारंग धनुष को धारण किया था, उसी प्रकार कृष्ण को भी इन पंच शस्त्रों को अर्जित करना होगा। नारायण नारायण, प्रभु आप सच में ही न्याय मूर्ति जगत पिता है। प्रभु मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। नारायण नारायण। पंचशास्त्र को धारण करते कान्हा से प्रभु कृष्ण है बनते। पंचशास्त्र यात्रा हुई आरंभ, यह विद्या प्रभु करते प्रारंभ। कृष्ण नाम की लीला न्यारी, कान्हा बनेंगे कृष्ण मुरारी। अभिलाषा जग जेहि दर्शन की, परम अवतार जय श्री कृष्ण की। ऐसा लगता है इसकी हत्या बहुत समय पूर्व हुई है। कान्हा, हो ना हो, ये अवश्य किसी असुर का कुकर्म है। कान्हा, वहाँ देखो, उधर भी है। बहुत क्रूरता से मारा है इन्हें कान्हा। तब सबको एक ही विधि पूर्वक तीरों से आघात करके मारा गया है। हाँ कान्हा, तब हमें शीघ्र ही पता लगाना होगा ये कौन अधर्म कर रहा है। किंतु कान्हा, हमारी उस यात्रा का क्या? तब यात्रा तो बाद में हो सकती है, किंतु मैया कहती है अधर्म को देखकर भी उससे मुंह फेर लेना ये सबसे बड़ा अधर्म है, इसलिए यात्रा हम इसकी बात करेंगे। ऊपर देखो।
ओम कंसाय नमः। चक्रधारी, ये कौन है जानता है? तेरे परम अवतार श्री कृष्ण के समय से जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी के मृत शरीर यहां पड़े हैं। जीवित लोगों के उद्धार के लिए उनकी हत्या कर देता है और मैं मृत शरीरों को पुनर्जीवित कर उनका उद्धार कर देता हूं। तो बता, भगवान कौन, तू या मैं? मैं भगवान कंस, भगवान कंस। अब ध्यान से सुन, संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र या तू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मृत की मृत्यु नहीं होती। अब इन मृतकों से मैं अपनी असुरी सेना मृतवाहिनी का निर्माण करूंगा और मेरी ये मृतवाहिनी तेरा सर्वनाश करेगी। कौन हो तुम और किसने की तुम्हारी दुर्दशा? चले जाओ यहाँ से बालको, नहीं तो तुम भी किसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। युवक, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हमें सत्य जानना है। मेरी ये स्थिति प्रेम का दंड है। प्रेम का दंड? हम कुछ समझे नहीं। प्रेम करने का इतना क्रूर दंड क्यों? और इतने सारे मृत शरीर किसके हैं? इन सब का हश्र भी प्रेम के कारण हुआ है। अभी तो न जाने कितने युवकों की बलि चढ़ेगी उस स्त्री के हाथों। किस स्त्री की बात कर रहे हैं आप युवक? वो स्त्री जो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर है, जिसकी काया के सम्मुख सूर्य की किरणें भी निस्तेज हैं। वो स्त्री जिसके स्पर्श मात्र से संसार के सारे पुष्प
प्रस्फुल्लित हो उठते हैं। जिसके केशों से जब पवन टकराती है तो दिशाओं को भी दिशा भ्रम हो जाता है। जिसकी मुस्कुराहट देखकर पक्षी भी कलरव गान करने लगते हैं, उस स्त्री को नेत्र भर देखते ही मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसके प्रेम पाश में बढ़ जाता है और उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, पर क्या तुम्हें ये ज्ञात है कि मुझसे प्रेम करने का अर्थ है मृत्यु? क्या नाम है स्त्री का और कहाँ रहती है वो? वज्रबाला। दाओ, इन सब का कर्ज देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ काना, पर तुमने इन सबके अंतिम संस्कार का निर्णय सही लिया, इससे इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दाऊ, हम उस स्त्री को ढूंढ कर ही रहेंगे। सत्य कहा काना, प्रेम के आधार पर निर्दोष की हत्या करना एक निर्दिष्ट और असुरी कार्य है। हे काना, हे बलराम, आपने हमें मुक्ति प्रदान करके हमें कृतार्थ किया है, हमारा परिणाम स्वीकार करें प्रभु। दाव आवशी, इन आत्माओं का हमारे साथ कोई संबंध है, वरना हमारी यात्रा में यूं ही अवरोध उत्पन्न नहीं होता। देवी, इतने पुरुष आपको जीतने का प्रयास कर अपने प्राण गवा चुके हैं। हाँ देवी, अंततः आप विवाह किससे करना चाहती हैं? जो पुरुष वज्रबाला को युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा वर होगा, और जब तक मुझे वो अविजित योद्धा मिल नहीं जाता, मैं इसी तरह इन पराजित पुरुषों को मृत्यु देकर उनका रक्त इस कलश में संचित करती रहूंगी। कान्हा, इतना पहर बीत गया परंतु वज्रबाला अभी तक नहीं मिली। अब तो भूख भी लगने लगी है कान्हा। अब समय आ गया है फिर से एक नरसंहार का और मेरे प्रेमी को पुकारने का, क्योंकि वज्रबाला को परास्त करने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता। मन के मीत बन के प्रीत तू आ जा।
कौन आ रही है। चलिए जाओ। हाँ आप आ रहे हैं, चलो। अब दिन रे बालको, तुम दोनों कौन हो? ये प्रश्न तो हमारा है। ओ अधर्मी और क्रूर स्त्री, कौन हो तुम? तुम विवाह के लिए लोगों को प्रेरित करती हो और फिर युद्ध के लिए चुनौती देती हो और उनके पराजित होने पर उनकी हत्या कर देती हो, आखिर क्यों? बालक, वे युवक स्वेच्छा से मेरे प्रेम में पड़ते हैं। मैं वज्रबाला हूं और मुझे केवल वही परास्त कर सकता है जिससे मैं प्रेम करूंगी। ओ अधर्मी स्त्री, निर्दोष की हत्या केवल इसलिए करना कि वो तुमसे कमजोर है, ये अधर्म है। क्या तो तुम अपना अपराध स्वीकार और धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा हम तुम्हें तुम्हारे किए का दंड देंगे। तुम मुझे दंड दोगे? बालकों, मेरी तुम दोनों से कोई शत्रुता नहीं है। जाओ यहां से। हर अधर्मी हमारा शत्रु है व्रजवाला। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। बालक, मैं युद्ध केवल वही युवकों से करती हूं जो मुझसे विवाह करने के इच्छुक होते हैं। तुम ही बताओ, मैं तुमसे कैसे युद्ध करूं? प्रस्ताव स्वीकार है देवी, जाओ आपसे विवाह करेंगे। काना, ये क्या कह रहे हो? जाओ मुद्गलधारी बालक, तुम क्या मुझसे विवाह करोगे? तुम में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम मुझे परास्त कर सको। आखिर कोमल बालक जो ठहरे। देवी, इतना अभिमान अच्छा नहीं है। कोई भी मनुष्य और पराजित और अमर नहीं होता। दाऊ, स्त्री के अहंकार का नाश करने के लिए आपको स्त्री को विवाह का प्रस्ताव देना ही होगा। देवी, तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देने के लिए यदि मुझे तुमसे विवाह क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। वज्रवाला, मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव और युद्ध की चुनौती साथ में देता हूं।
कोई भेद नहीं करता, ये केवल धर्म की रक्षा के लिए उठता है। और ये वज्रबाला का गदा है, ये युद्ध भूमि में छोटे बड़े का भेद नहीं करता, ये उठता है तो केवल वज्रबाला की जीत के लिए। संभलने का मौका दीजिए, यही धर्म है, यही युद्ध की नीति है। क्योंकि दुराचारी स्त्री एक नीतिबद्ध युद्ध की अधिकारी नहीं है। काना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये स्त्री वज्र की बनी हुई है, मेरा प्रहार इसके शरीर पर कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा। बालक, जिस तरह मुझसे विवाह करने के इच्छुक युवकों को मैंने मृत्यु दी है, उसी तरह से अब तेरा भी अंत निकट है। यार! मुझे हमारी चिंता नहीं है, अभी तो चिंता तो इस बात की है कि मेरी मुद्गल के प्रहार का उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। हाँ दो। बालक, तुम कौन हो? क्षमा करें देवी, किंतु मैं आपको अपना परिचय दे चुका हूँ। नहीं, वो सब असत्य था। प्रपंच किया है तुमने वज्रबाला के साथ। इस संसार का कोई साधारण मनुष्य वज्रबाला के प्रहार को इतनी सरलता से नहीं रोक सकता। कितने वर्षों से मुझे एक ऐसे वीर की प्रतीक्षा थी जो अपनी शक्ति से मुझे युद्ध में परास्त कर सके, परंतु वो विवाह का प्रस्ताव, वो सब केवल एक छलावा मात्र था। सत्य तो ये है कि जो भी वीर मुझे युद्ध में परास्त करेगा, उससे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। सत्य बताओ बालक, तुम कौन हो? देवी, यही सत्य है, मैं कान्हा हूँ और ये मेरे दाऊ बलराम है। ठीक है, यदि ये सत्य है तो अब मुझसे युद्ध बलराम नहीं, कान्हा तुम करोगे। कहो, ये चुनौती स्वीकार है तुम्हें? काना, मुझे स्त्री बहुत धूर्त प्रतीत हो रही है, ये अवश्य ही तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, तुम इसकी बातों में मत आना काना। बोलो कान्हा, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? काना, इस स्त्री का शरीर वज्र का बना हुआ है, इसकी बातों में मत आओ। कान्हा, ये कोई मायावी है।
उचित है देवी, मैं करूंगा आपसे युद्ध। कान्हा ये तुम क्या कह रहे हो? दाऊ गुरुदेव की शिक्षा थी निर्भय भाव अर्थात हर परिस्थिति में वह मुक्त रहो। फिर आप क्यों चिंता करते हैं दाऊ? अति सुंदर, कहो कान्हा तो कौन से शस्त्र से युद्ध करोगे तुम मुझसे? देवी मेरे शस्त्र से आपका परिचय कल ही हो पाएगा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात युद्ध करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं। उचित है बालक, तो हम कल सूर्योदय के साथ ही अपना युद्ध प्रारंभ करेंगे। नारायण नारायण। प्रभु यह आपकी कैसी माया है? जिस शेष अवतार बलराम के प्रहार से बड़े से बड़े असुर पराजित हो जाते हैं, आज उसी बलराम के प्रहार इस स्त्री पर प्रभावहीन है। किंतु प्रभु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि परम अवतार श्री कृष्ण के एक ही आघात से यह स्त्री तिनके के भांति शक्तिहीन हो गई। यह आपकी कौन सी लीला है प्रभु, क्या रहस्य है? कौन है ये वज्रबाला प्रभु? देव ऋषि, वज्रबाला कोई शत्रु नहीं अपितु मेरे ही परम भक्त है। नारायण नारायण। प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, आपकी भक्त है? आपने तो मुझे चकित कर दिया प्रभु। चकित ना हो ऋषिवर, ये वज्रबाला पिछले जन्म में मेरी परम भक्त कौमुड़ी थी। देव ऋषि, कौमुड़ी को गदा देवी भी कहते हैं और इन्हें मैं अपने कर कमलों में धारण करता हूँ। नारायण नारायण। किंतु प्रभु आपकी परम भक्त वज्रबाला परम अवतार श्री कृष्ण पर प्रहार क्यों कर रही? देव ऋषि आप जानते हैं कि बिन कारण कोई कर्म नहीं होता और बिन कर्म नियति नहीं होती। नारायण नारायण। किंतु प्रभु वज्रबाला से ऐसा कौन सा कर्म हो गया था कि वो असुरी प्रवृत्ति की स्त्री बन गई और आपकी भक्त होकर अपने भगवान की स्मृति भूल बैठी? देव ऋषि जब त्रेता युग में विश्वकर्मा भगवान शिव के लिए भव्य लंका का निर्माण कर रहे थे तब मेरी इस भक्त वज्रबाला को इस बात का आभास हो गया था कि यही लंका भविष्य में मेरे राम अवतार के लिए संकट का कारण बनेगी। इसीलिए मेरे प्रेमवश कौमुड़ी ने उस लंका को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। नारायण नारायण। हे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, देवों के देव महादेव की नगरी को विध्वंस करने का साहस? जी ऋषिवर, यही है भक्त और भगवान का रिश्ता, प्रेम उसे भय रहित कर देता है। इसीलिए एक दिन मुझे योग निंद्रा में पाकर मेरी परम भक्त वज्रबाला यानी कौमुड़ी ने लंका पहुंचकर उसे खंडित करने का निश्चय कर लिया। हे प्रभु विष्णु, ये लंका कालांतर में आपके और माता लक्ष्मी के लिए संकट उत्पन्न करेगी और इसलिए आज कौमोद की इस लंका को खंड खंड कर देगी। आज मैं तेरा अस्तित्व मिटा दूंगी। देव ऋषि, जब भी मैं योग निंद्रा में होता हूं वज्रबाला यानी कौमुड़ी लंका को खंडित करने लगती है और एक दिन विश्वकर्मा ने उसे ये कार्य करते हुए देख लिया। ठहर जाओ धंधी स्त्री। साक्षात महादेव की नगरी और मेरी बनाई इस लंका को तुमने खंडित करने का जो दुस्साहस किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा शरीर सदा सदा के लिए पाषाण हो जाएगा। हे विश्वकर्मा ठहर जाइए, ऐसा अन्याय न कीजिए। मैं भगवान विष्णु की शस्त्र गदा कौमुद की हूँ,
मैंने लंका को खंडित करने का प्रयास केवल इसलिए किया क्योंकि भविष्य में ये लंका मेरे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए संकट बनने वाली थी। मैं केवल अपने प्रभु के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। हे कौमोदकी, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने पूर्ण सत्य सुने बिना ही आपको श्राप दे दिया। मैं ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप से मुक्ति के लिए मैं आपको एक वरदान देता हूं कि श्री विष्णु के परम अवतार द्वारा आपके वज्र समान पाषाण शरीर को उनके वज्र प्रहार से मुक्ति मिलेगी। देव ऋषि, कौमुदी को मिले श्राप के कारण ही वो वज्र से देह वाली वज्रबाला हो गई और प्रतीक्षा करने लगी हमारे परम अवतार के पृथ्वी पर अवतरित होने का। नारायण नारायण। हे प्रभु, मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। कर्म फल का बंधन अटूट है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। नारायण नारायण।